हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था द स्विच स्टेटमेंट, तो आज हम उसका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, ये दोनों हमारी हेडर फाइल है। उसके बाद है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बाद हम मेन फंक्शन को स्टार्ट करते हैं तो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो जाती हैं। फिर हम लेते हैं डाटा टाइप, जो हम यहाँ ले रहे हैं इंटीजर, और उसके बाद वेरिएबल हमने लिया आई। अब हम आई को वैल्यू देंगे। हमने दिया आई इज़ इक्वल टू 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो क्या राइट करेंगे, स्विच और ब्रैकेट में क्या आता है, एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या है, आई। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं तो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो जाएंगी। फिर उसके बाद हम केस देते हैं। सबसे पहले केस 1, फ्रेंड्स केस लिख रहे हैं और 1 लिख रहे हैं, इन दोनों के बीच में गैप होगा। अदरवाइज हम दोनों चीज़ें इकट्ठी लिख रहे हैं, केस और 1 विदाउट एनी गैप, तो ये एरर शो करेगा। ठीक है, और इसके बाद हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, केस 1। अब हम केस 1 में क्या कह रहे हैं कि अगर फर्स्ट वाला केस क्या है, ट्रू है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट एफ क्या करा दो, मंडे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये ट्रू नहीं है तो ये क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए ये केस, और नेक्स्ट केस पे चला जाए, केस 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब केस 2 अगर ट्रू है तो प्रिंट क्या करा दे, प्रिंट एफ ट्यूसडे। ठीक है, और अगर ये ट्रू नहीं है तो ब्रेक होके नेक्स्ट केस पे चला जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम नेक्स्ट केस दे रहे हैं, केस 3। केस 3 अगर ट्रू है तो प्रिंट करा दे वेडनेसडे, और अगर ये भी ट्रू नहीं है, फॉल्स हो रहा है, तो ब्रेक होके डिफ़ॉल्ट कंडीशन पे चला जाए, डिफ़ॉल्ट केस में। इसमें क्या राइट करते हैं हम, डिफ़ॉल्ट, और फिर जो हमने प्रिंट करवाना है, प्रिंट करा रहे हैं हम नॉट एग्जिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंपाइलर क्या करेगा, सारे केसेस को स्टार्टिंग से चेक करेगा, उसे जैसे ही कोई ट्रू कंडीशन मिल जाती है वो उसको प्रिंट करा देगा। अगर कोई भी ट्रू कंडीशन नहीं मिल रही, सारी कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो किस पे आ जाएगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू को प्रिंट करा देगा। तो हम अब इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है, क्या आउटपुट आता है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आई इज़ इक्वल टू 1 दिया था, तो ये फर्स्ट कंडीशन में गया, फर्स्ट केस में, और फर्स्ट केस ट्रू हो गया, केस 1 से मैच करा इसने, तो फर्स्ट ट्रू हो गया, तो इसने क्या प्रिंट करा दिया, मंडे। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ 2 देती हूँ, ठीक है, तो क्या आ रहा है यहाँ, ट्यूसडे। क्यों, क्योंकि 2 किस से मैच कर रहा है, केस 2 से। अगर मैं यहाँ 3 देती हूँ तो क्या आ रहा है आउटपुट में, वेडनेसडे। ठीक है, क्योंकि ये केस 3 से मैच कर रहा है। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे देती हूँ 0 या फिर 4, 0 दे देती हूँ, तो ये क्या आ गया, नॉट एग्जिस्ट। अगर सारे फॉल्स हुए केसेस, तो किस में चला गया, ये डिफ़ॉल्ट में। मीन्स अगर मैं 1, 2, 3 के अलावा कोई भी और वैल्यू दूंगी आई को, तो ये कंडीशन डिफ़ॉल्ट में जाएगी। अब जैसे मैं 4 दे रही हूँ, तो भी यहाँ पे क्या आएगा, नॉट एग्जिस्ट। तो फ्रेंड्स, हम इसे ऐसे यूज़ करते हैं स्विच स्टेटमेंट को। अब हमारी सारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लूपिंग स्टेटमेंट का, लूपिंग स्ट्रक्चर का। ठीक है फ्रेंड्स।